फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षा। वेलकम्स टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम। आज हम ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो भी यूपीएससी के रिगार्डिंग है एंड आप ये वैसे भी मास्टर डिग्री में अपने टॉपिक को कवर अप कर सकते हो साथ साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहले अगर ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। ह्यूमन कैपिटल होता है कि एक ह्यूमन में कितनी स्किल्स हैं, एबिलिटी है, कितना वो एक्सपर्ट है, कितनी उसकी मतलब एजुकेशन क्या है, नॉलेज क्या है उसकी, ये सारी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ये सारी उसमें जो क्वालिटीज होनी चाहिए, जब हम इन क्वालिटीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे क्या होती है, हमारी ह्यूमन कैपिटल ग्रो करती है, ठीक है। अब हमें मीनिंग पता होना चाहिए व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। हमने ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग समझ लिया क्या होता है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ पे चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि जो इकोनॉमी की एबिलिटी है, मतलब जो इकोनॉमी है वो लास्ट टाइम पीरियड्स में से कितनी वो ग्रो कर रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। वो किस एस्पेक्ट में होता है, कितनी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी कितनी आ रही है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जब हम टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मार्केट के प्राइजेस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हम क्या निकल जाता है, हमारी जीडीपी की जीडीपी निकल जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि जो जीडीपी का रेट है करंटली वो कितना चल रहा है, 2.5% चल रहा है, पर ईयर चल रहा है, ठीक है। अब जो जीडीपी का रेट है वो 2.5% मतलब परसेंट से क्या हो रहा है, अर्लियर क्या हो रहा है, मतलब रोज़ के पिछले टाइम पीरियड से अभी इंक्रीज हुआ है बाय 2.5%। ये चीज़ हमारी क्या डिनोट कर रही है, हमारी जीडीपी डिनोट कर रही है कि जो परसेंटेज है कि इतनी परसेंट हमारी इंक्रीज़ हुई है, इतनी परसेंट डिक्रीज हुई है, हमारी अभी इतनी जीडीपी हो गई। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल के अब सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, हमने ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग समझा, इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग समझा, अब हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा, उसका एक फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, एजुकेशन। हम जितनी ज़्यादा एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, एक जो ह्यूमन है वो एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनेगा। अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनेगा तो वो न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी को चलाने के कैपेबल हो पाएगा। तो वो क्या है कि एजुकेशन में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें और किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी सेहत अच्छी होगी तभी एक ह्यूमन बींग काम कर पाएगा। अगर सेहत ही नहीं अच्छी होगी तो काम कैसे करेगा। इसलिए हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का, ठीक है। इन दोनों में मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ अगर अच्छी होगी एक लेबर की, एक ह्यूमन कैपिटल की, तो वह आगे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाएगा और हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स आते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम, कि वो अपनी फ्यूचर इनकम को इंक्रीज कर सके, इस मोटिव से उसको एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक लेबर को हु कैन वर्क बेटर, अब हमने एजुकेशन एंड हेल्थ की बात कर रहे हैं तो वही चीज़ आ गई कि कौन अच्छे से काम कर पाएगा, एक बीमार पर्सन काम कर पाएगा या एक हेल्दी पर्सन काम कर पाएगा। ऑब्वियस है हेल्दी पर्सन काम कर पाएगा, जितना अच्छा हेल्दी पर्सन होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा, हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो सिक पर्सन है वो तो सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज ही लेता रह जाएगा, अपनी ट्रीटमेंट करवाता रह जाएगा, तो वो हमारा इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू हेल्थी पर्सन। इसलिए हमें क्या है, अपने हेल्थ पे भी अपने एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
नेक्स्ट पॉइंट है फर्म स्पेंड ऑन गिविंग द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स. आगे क्या आ गया, जॉब ट्रेनिंग पे भी वर्कर्स को देना चाहिए कि किस तरीके से हमारी जॉब है, किस तरीके से हमारी मशीनरी यूज़ की जाती है, किस तरीके से हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हमें जॉब ट्रेनिंग वर्कर्स को देनी चाहिए कि किस तरीके का उसने काम करना है ताकि वो जल्दी जल्दी और अच्छे से काम कर सके और हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर सके. ठीक है. वंस द वर्कर मे बी ट्रेंड इन द फर्म, जब वो खुद को ट्रेंड कर जाएगा तो वो अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर के सुपरविजन में वो अच्छे से काम कर पाएगा पहले. फिर दूसरा क्या है कि मतलब कि उसको फिर कैंपस ट्रेनिंग के लिए, मतलब कि दे मे बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, उसको कैंपस ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जा सकता है फिर. ठीक है, ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा. अब देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो पीपल है हमें पता है वो स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे. ठीक है, लेकिन इन चीज़ों पर स्पेंड करने पर, मतलब अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स बनते हैं कि आगे जाकर अलग अलग फील्ड में जॉब करते हैं. तो इस चीज़ एजुकेशन सेक्टर में जब स्पेंड करते हैं तो उनको एक सर्वे करना पड़ता है. ठीक है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि वो किस बेसिस पे अपनी एजुकेशन पे खर्चा करे, मतलब कौन सी स्ट्रीम में जाए जिससे उसको जब फ्यूचर में सैलरीज है वो मैक्सिमम मिल सके. ठीक है, ऐसे कौन से, मतलब कि कौन से एजुकेशन के ऐसे कौन से सेक्टर में जाए जो उसको सैलरी उसके इनकम को जनरेट करे और मैक्सिमम इनकम को जनरेट कर सके. ठीक है, इस चीज़ पे भी आजकल सर्वे चल रहा है जिससे हमारी ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ग्रो करती है. ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. क्या टॉपिक है, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में, एक्सेलरेट करने में. ठीक है, इसलिए हमें, मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ क्या है कि ह्यूमन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल की वजह से हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, जो हमारा बेस्ट एडवांटेज है, मतलब जो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है इस चीज़ से. ठीक है, अगर हम इस चीज़ के एडवांटेज की बात करें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये भी है कि अगर हम लेबर और ह्यूमन कैपिटल पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इससे हमारी जो लेबर है एक हाई क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल लेबर बन रही है. किस किस फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, साइंस, मैनेजमेंट, एजुकेशन या कोई अदर फील्ड, इन सब की फील्ड्स में क्या हो रही है, वो ग्रो कर रही है, एक हाई क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर रही है. ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई इसमें. ठीक है, तो इससे क्या हो रही है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, हमारी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशंस ये भी ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, हमारी मतलब कि बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही है, इनोवेशंस हो रही हैं, बहुत इन सब तरीके से, मतलब ये एक लेबर क्या है कि अपने आप को अडेप्ट कर पाता है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है. अगर वो पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी के यूज़ को अच्छे से समझ पाएगा. इससे हमारी क्या, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है. ठीक है, ये एक मेन रीज़न आ गया. अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे. अब आगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. पहला पॉइंट आ गया इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारी क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम, मतलब ह्यूमन कैपिटल है, देखो ह्यूमन है, नमी नमी इनोवेशन करेगा, इनोवेशन कर रहा है तो हमारी क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, जिससे क्या है कि ह्यूमन कैपिटल न्यू टेक्नोलॉजी को अपने आप में एक ऐसी एबिलिटी क्रिएट कर लेता है कि जिससे हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीख जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. नेक्स्ट पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, कि हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो, मतलब हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है,
जिससे हमारी क्या हो रही है कि जो ट्रेन्ड वर्कर्स हैं वो हमारी जो मशीनरी टाइप न्यू प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं. उनको अच्छे से यूज़ कर पाती है तो हमारी क्या हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है. प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है. जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया हाई पार्टिसिपेशन ऑफ, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लेबर फोर्स है, अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या मिल रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. जब एम्प्लॉयमेंट मतलब जनरेट हो रही है, तो इससे हमारी क्या हो रही है, जो हमारा पुअर एंड रिच सेक्शन का गैप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि जितने भी पुअर फोर्स है एक अच्छी क्वालिटी वाला लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उनको जितनी भी मतलब लेबर फोर्स है वो उनको काम मिल रहा है, वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पुअर एंड रिच में जो गैप है वो कम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अपनी अच्छी लाइफ जी रहे, क्यों? क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, जिसमें उसकी एक अच्छी इनकम हो, अच्छी हेल्थ हो. अभी इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि उन्होंने किस तरह की एजुकेशन ली है, उनकी स्किल फॉर्मेशन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. जितनी अच्छी उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उतनी ज़्यादा वो, जितने अच्छे स्किल्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी इनकम अच्छी होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इकोनॉमी हमारी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. ठीक है, अब आ गया ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. इन दोनों टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में. ठीक है, वैसे तो दोनों सेम साउंड करते हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें, तो ह्यूमन कैपिटल में हम किसकी बात करते हैं, एजुकेशन की और हेल्थ की. इन दो, ये दोनों अच्छे होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी. इससे हमारा क्या हो रहा है कि ये हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है, जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है. अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट किसके ऊपर बेस करता है, कि जो हमारी एजुकेशन है एंड हेल्थ है, दोनों इकट्ठे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. मतलब क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग जो उसमें एबिलिटी रीड एंड राइट की है, हेल्थ में लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी सकता है, वो डेवलपमेंट में आ गया. कि वो पढ़ लिख सकता है, एक लंबी लाइफ जी सकता है, दैट इज़ डेवलपमेंट. और जो मतलब कि कैपिटल है, उसमें क्या है कि उसको एजुकेशन और हेल्थ दोनों अच्छी होनी चाहिए, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सके. ठीक है, अब इनमें चॉइसेस होते हैं, वो किस चीज़ को किस तरीके से चूज़ करना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है. अब देखो, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हम एजुकेशन एंड हेल्थ पर्सन मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर अनप्रोडक्टिव पर्पस ले, मतलब कि अगर उसने फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करनी, तो वो वेस्ट है. अगर वो अच्छे पर्पस ले कर रहा है, कि उसने फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो वो प्रोडक्टिव है. अगर एजुकेशन एंड हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्टिव से कि उसको फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं करनी, दैट इज़ द वेस्ट. ओके, अब आ गया एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर कैसा है. अगर ग्रोथ देखे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, आपको पता है कि एजुकेशन पर कितना खर्चा कर रही है सरकार. ठीक है, ये भी दो वेज में एक्सप्रेस करते हैं, एक तो परसेंटेज फॉर्म में, एक जीडीपी की फॉर्म में. ठीक है, अगर परसेंटेज की फॉर्म में बात करें गवर्नमेंट, तो इसका बता रहा है कि एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इन द स्कीम्स थिंग्स, तो बिफोर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है. ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर. अगर हम जीडीपी की बात करें, तो जीडीपी में हमारा आ जाता है कि 1952 टू 2014 में हमारा एक्सपेंडिचर इतना था, अब हमारा इतना इंक्रीज़ हो गया, ये चीज़ आ गई. ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, कि लोग पढ़े लिखे होंगे, ट्रेंड होंगे, तो हमारी ह्यूमन कैपिटल ग्रो पर कर पाएगी, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या है, ग्रो कर पाएगी. ठीक है, तो उसने एजुकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है. ठीक है,
अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। सबसे पहले आ गया राइजिंग पॉपुलेशन। अगर हेल्थ हमारी अच्छी होगी, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब इंक्रीज़ कर रही है तो हमारी इकोनॉमी पे क्या कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मेनली किस इकोनॉमी में, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, अभी इसका एक एडवर्स इफेक्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो एक पर्सन है पर हेड जो अवेबिलिटी मिल रही है, जो फैसिलिटीज़ वो अवेल कर रहा है, जैसे कि एजुकेशन की फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट की, सैनिटेशन की, ड्रेनेज की, वाटर सिस्टम, हाउस, हॉस्पिटल, एजुकेशन, फूड सप्लाई, न्यूट्रिशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, ये फैसिलिटीज़ पर पर्सन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से, जिससे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे स्किल्ड लेबर है, वो हाईली स्किल्ड लेबर है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री से किधर शिफ्ट कर रहे हैं, एक फॉरेन कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में। उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अगर अच्छे पढ़े लिखे स्किल्ड लेबर अगर माइग्रेट हो जाते हैं, देन जो हमारे लोअर मतलब कि अनस्किल्ड या फिर जो बहुत ही कम स्किल्ड लेबर होते हैं, वो हमारी ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर देते हैं, लोअर डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया इन एफिशिएंसीज इन प्लानिंग। प्लानिंग नहीं प्रॉपर कर पाते। ठीक है, कि किस तरीके से हमने अपनी एजुकेशन पे स्पेंड करना है, डिफरेंट स्टेजेस पे खर्च करना है, किस तरीके से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, वो मतलब कि इनके एक प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट आ गया लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, अगर हम एजुकेशन पे आज के टाइम पे खर्च कर रहे हैं, तो वो हमें कब जाके आउटपुट देगी, ये हमें खुद भी नहीं पता। मतलब कि अगर हम 20-25 साल हम अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, मतलब 20-25 साल हमें लगातार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है एजुकेशन पर, आफ्टर दैट हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और उसके बाद हमारी इनकम जनरेट होनी शुरू होती है। ठीक है, वो भी होगी या नहीं वो भी हमें श्योर नहीं होता, तो वो चीज़ क्या आ गई, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हाईली पॉवर्टी लेवल्स। हमें पता है कि जितने भी हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज है, उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्या आती है, बिलो द पॉवर्टी लाइन आती है। क्यों? क्योंकि इनके पास ना ही हेल्थ कंडीशंस होते हैं कि वो उस चीज़ को ले सके, और ना ही वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता कि वो एजुकेशन पे खर्च कर सके, हेल्थ पे खर्च कर सके, इसलिए जो पुअर सेक्शन है वो पुअर ही रह जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। एंड आपको इस पूरे वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।